ठीक है, तो हम आज ये चर्चा कर रहे हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कैसे बनाएं। न्यू ईयर, अब वैसे तो विदेशी कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर है ये, भारतीय कैलेंडर के अनुसार न्यू ईयर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम मनाते हैं। लेकिन आज के दिन को हम इसलिए, क्योंकि आज का दिन सारे संसार में सब लोग इसी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इस न्यू ईयर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। ये जो न्यू ईयर है ये ऐसे ही रहता है, इसमें कोई संसार में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, सामाजिक कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। और ये न्यू ईयर इन्होंने खुद से ही बस बनाया है। लेकिन और इसको बना दिया 1 जनवरी, तो अब ये 1 जनवरी हो गया। लेकिन ये जो न्यू ईयर है, जो हमारा जो वैदिक संस्कृति का जो न्यू ईयर होता है, उसमें सब जगह पर बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है। चैत्र जब आएगा तो आप देखेंगे कि बसंत ऋतु होगी और होली का उस समय समय चल रहा होगा। तो ये जो चैत्र जो महीना आएगा, वो जो है हमारे लिए क्या होता है, वैदिक सभ्यता में वो पहला महीना या फिर पहला दिन मनाया जाता है। लेकिन ये क्योंकि सामाजिक संरचना ऐसी हो गई है, तो फिर हम इसको इस तरह से भी आज भी कल इसका रिजोल्यूशन बनाना चाहिए और 1 जनवरी से इसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो दुनिया में सारे लोग, व्हाट पीपल सी, पीपल इन दिस वर्ल्ड सी दिस एज, दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि ये जो न्यू ईयर है एक तरह से रिफ्लेक्शन करने का समय है, वॉट हैव आई डन इन दिस लास्ट 1 ईयर। आप देखिए, 1 साल बीत गया, 1 साल आपने क्या किया, बहुत सारा टाइम चला गया, कुछ कार्य तो ऐसे ही जीते, ऐसे ही कर लिए। अगर मान लो कोई स्टेशन पे जाए, कोई ट्रेन पे हो और ट्रेन पे चढ़ रहा हो और उसको कोई पूछे कि तुम क्यों चढ़ रहे हो, वाई आर यू बोर्डिंग द ट्रेन, तो ही विल से दैट बिकॉज यू आर बोर्डिंग सो आई एम बोर्डिंग। बट दिस इज नॉट सो, ही हैज टू गो समवेयर, उसको कहीं जाना होता है, ही हैज टू गो समवेयर, दैट इज वाई ही इज बोर्डिंग द ट्रेन। दैट मीन्स फॉर ट्रेन बोर्डिंग वी डोंट गो अलॉन्ग विथ एवरी वन, हूएवर इज गोइंग ही इज गोइंग फॉर सम पर्पज, वी आर ऑल्सो गोइंग फॉर सम पर्पज। बट जब जिंदगी की बात आती है, तो हम साल बीतता जाता है, वो भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, उसी तरह हम भी जीते जा रहे हैं, डिफॉल्ट सेटिंग में जीते जा रहे हैं, जस्ट डिफॉल्ट सेटिंग, जैसे डिफॉल्ट हमारी लाइफ जा रही है वैसे हम जीते जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं हम कर। तो ये जो डिफॉल्ट सेटिंग से जीते जा रहे हैं, विदाउट प्लानिंग जो हम जी रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे हम धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे, विदाउट प्लानिंग जो ये लाइफ जीते जा रहे हैं, इससे हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन चयन नसौ तस्यर्ते यत् क्षणोनितम उत्तम श्लोक वार्तया। तो ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, समय बीतता जा रहा है, इतना साल हो गया, वो कितने साल के हो गए हैं कि नहीं, और अब इतने वर्ष में भी हम अभी तक कुछ चीजें हम नहीं सीख पाए, अभी तक हम कैसे हैं, देखो अभी भी हम कैसे। तो टाइम बीतता जा रहा है, इस टाइम का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। ज्यादातर लोग आजकल मैंने देखा है, अभी मैं एक एक माता जी से बात कर रहा था, तो वो कह रही थी कि प्रभु जी, उनका बच्चा है, उसको बहुत रुचि है आध्यात्मिक चीजों में, तो मैं ये देख रहा था,
ज्यादातर दुनिया में लोग आप देखेंगे कि उनका बस यही गोल है कि बच्चा पैदा होगा, फिर उसको स्कूल में पढ़ा देंगे, इंग्लिश विंग्लिश सीख ले, जल्दी से उसकी नौकरी लग जाएगी, जस्ट गेटिंग जॉब, एंड आफ्टर जॉब यू गेट सम वाइफ, एंड देन यू प्रोड्यूस सम चिल्ड्रन, गेट देम मैरिड, एंड दैट्स इट, एंड देन यू डाई. सो दिस सीक्वेंस ऑफ लाइफ इज रिपीटेड बाई एवरी वन. वो दुकान करने वाला जो है वो भी यही कर रहा है, जिसकी सब्जी की दुकान है वो भी यही करता है, हर दिन सुबह आता है सब्जी की दुकान खोलता है, उसका भी यही जीवन है, सबका यही जीवन. मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी, सारे लोग बस ऐसे ही एक भेड़िया दसान में जीवन जी रहे, जिए जा रहे, बस ऐसे ही जिए. तो प्लान करना चाहिए, प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो जानवरों के जैसे हमारी जिंदगी हो जाएगी. सालों साल बीत गए, भगवद गीता नहीं पढ़ी है, अरे सालों साल बीत गए, अभी तक प्रभु जी बहुत प्लान बनाया, कभी फॉलो नहीं हुआ प्रभु जी. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं, प्लान बनाते हैं पर फॉलो नहीं हो पाता. तो ये सारी चीजें क्यों हो रही, ये सारी चीजें इसलिए हो रही है बिकॉज वी आर नॉट सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम समबडी हु कैन हेल्प अस इन मेकिंग दीज गोल्स. हमारे वैष्णव संप्रदाय में एक भजन आता है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद. सारा जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, देखो कैसा जा रहा है जीवन, कोई भगवान में रति नहीं हो पाई. कुछ लोग तो बस यही इसी में लगे रहते हैं कि दुनिया में बस देखो भाई नौकरी कर लेनी है, खाना खा लेंगे, टॉयलेट कर लेंगे, बस मैं और मेरा परिवार कैसे खाना खाए और टॉयलेट करे, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है. और कुछ नहीं चाहिए. इनसे पूछो कि भाई व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ, तो बस दिस इज द एम ऑफ लाइफ. फिर कभी ये अच्छे अच्छे मोबाइल खरीद लेंगे, अच्छे अच्छे गेम्स खेल लेंगे, अच्छे अच्छे पिज्जा वगैरह खा लेंगे, है ना. नहीं बस यही जीवन का लक्ष्य है, बस बस किसी तरह से ये भोजन कर लेंगे, बस यही जीवन का लक्ष्य. और ये संसार तो ऐसा है, बस एक एक आंधी सी लगी, एक एक दौड़ सी लगी हुई है, सबको बस एक दिखाया जा रहा है कि देखो ये सक्सेस है, वो सक्सेस पाने के बाद आप जाएंगे देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा वहां पर. जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो सब लोग बोलते थे कि बस बोर्ड का एग्जाम पास कर लो, बस बोर्ड का एग्जाम पास कर लिया कुछ नहीं हुआ, फिर 12th पास किया, इंजीनियरिंग में आ गए कुछ नहीं हुआ, नौकरी करने लगे कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बस सब लोग बोलते रहते थे कि ये बहुत बड़ा काम करेंगे हम. तो ये जानवरों के जैसे जीने के लिए ये जीवन नहीं, इसलिए प्लान करना चाहिए, कैसे मेरी रुचि बढ़ेगी भगवान में, कैसे भगवान मनुष्य जीवन कैसे सार्थक होगा, इसका एक प्लान बनाना पड़ेगा. समय तो ऐसे ही चला जाएगा, भी धीरे धीरे करके सारा टाइम जा रहा है, सारा टाइम इन्हीं सब चीजों में जा रहा है. कोई गाइडेंस नहीं लेता, कोई समझता नहीं कि क्या जीवन का लक्ष्य है, सब लोग बस ऐसे ही जीते जा रहे, एक दिन मृत्यु आती है और व्यक्ति खत्म हो जाता है. नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद इंद्रिया प्रीतयः आप्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम् असन्नपि क्लेशधर आशदेह. कह रहे हैं कि पागल के जैसे व्यक्ति देखो भौतिक भोग में कैसे लगे हुए सब, है ना. बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम करने जाते हैं, मैंने देखा है पता नहीं क्या रेस लगी हुई, सब जल्दी जा रहे हैं. सबको जल्दी जाना, सच में कैसी एक रेस सी लगी हुई है संसार में. देखिए
भागते 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 सब लोग भागे भाग में लगे हुए, किसी को मालूम नहीं है कि ये जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है, किस प्रकार से मुझे जीना चाहिए। तो प्लान ही नहीं कर रहे हैं तो सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ, जो मनुष्य जीवन है ये जा रहा है, ये जो टाइम हमको मनुष्य जीवन का मिला है ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ ये मनुष्य जीवन है। दिस ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस, वेरी वेरी प्रेशियस। एक बार मिली है, ये बार बार नहीं मिलेगी, लेकिन इसका टाइम हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो गोविंद दास कविराज कह रहे हैं, कमल दल जला जीवन टल मल, भजहु हरि पद रे पीर, भजहु रे मन श्री नंद नंदना अभय चरनार्य विंद। अगर ये मनुष्य जीवन का इस्तेमाल नहीं कर लिया, अगर ये यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो देखना कई बार लोग ये सोचते हैं इनसे मुझे समस्या हो रही, उससे समस्या हो रही, इनकी समस्या उनकी समस्या, आपकी सबकी समस्या नहीं है, केवल आपकी समस्या है, आपको भगवत धाम जाना है। हम सोचते हैं इनकी समस्या उनकी समस्या, ये प्रभु जी ऐसे होते ना, अगर हमारे सासू माँ ऐसी होती तो मैं बस भक्ति करती। अरे कोई रोक सकता है, दिल कहाँ लगा हुआ है, कोई रोक सकता है क्या, कोई रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। लोग बोलते प्रभु जी मेरे पापा नहीं मानते, प्रभु जी क्या करें, घर वाले मुझे भक्ति करने नहीं दे रहे। सोच के देखिए, कुछ ना कुछ तरीके से भगवान में मन तो लगाया ही जा सकता है, समस्या ये है कि हमारा मनुष्य जीवन जा रहा है और हम कोई प्लान नहीं बना रहे। मनुष्य जीवन जा रहा है, आध्यात्मिकता का कोई प्लान नहीं बनाया है हमने, नो प्लान एट ऑल, कोई प्लान नहीं बनाया हमने, जस्ट सी। तो एक मैकेनिकल सा जीवन जी रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, अगले दिन ये, अगले दिन ये, अगले दिन ये, बस यही कर रहे हैं। एक बार सागर ने पूछा, सारे जितने भी एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, तो किसी से पूछा कि भाई, किसी ने पूछा भाई तुम ये तुम क्यों ट्रेन में बोर्ड कर रहे हो, उसने कहा कि सब लोग बोर्ड करें इसलिए मैं बोर्ड कर रहा हूं, मतलब सब लोग बोर्ड कर रहे तो वो भी बोर्ड कर रहा है। देखो ऐसे ही हम भी हैं, हम आए, सब लोग अच्छे कैसे जी रहे हैं, अच्छे रोज ये इस तरह से सुबह उठते हैं फिर काम पे जाते हैं, हम भी वैसे जाने लगे। एक बार सोचा नहीं कि आखिर ये जीवन क्या है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रेयरली अचीव्ड ह्यूमन बर्थ, ये बार बार बताया जा रहा है, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ये मनुष्य जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये माया बहुत प्रबल है, बार बार ये बोलेगी कि देखो तुम ये प्राप्त करने के लिए इनसे दुश्मनी कर लो, उसके बाद इनको हराने के लिए अपने जीवन को लगा दो, नहीं इन सब चीजों के लिए अपने जीवन को नहीं लगाएंगे। तो अब किस तरह से ये गोल्स हमको बनाने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ शुड वी यूटिलाइज आवर टाइम, कैसे अपने जीवन को प्लान करना चाहिए। तो मैं आपको आज कुछ गोल सेटिंग के, क्योंकि ज्यादातर जो भक्त हैं उनको ये तो पता है कि किस तरह से मतलब गोल्स लिखने चाहिए वो तो मालूम है, लेकिन मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप पालन कर पाएंगे, क्योंकि पालन हम नहीं कर पाते ये हमारा सबसे मेन इश्यू है। बाकी पालन तो हम मतलब हम ये तो है कि हम लिख तो लेते हैं, हर बार इसी तरह से जनवरी आती है हम कुछ टास्क बनाते हैं
और लेकिन अगर ये गोल हम नहीं बनाएंगे, आप सोचो आज की क्लास मान लो कुछ लोग नहीं अटेंड कर, वो गोल नहीं बनाएंगे, एक भेड़िया दसान के जैसे बस जीते रहेंगे, है ना। तो जॉर्ज हैरिसन ने एक गाना लिखा है एनी रोड करके, मतलब वो इज ए स्पिरिचुअल गाना है, उसमें वो कह रहे हैं इफ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग एनी रोड विल टेक यू देयर। मतलब अगर आपको पता नहीं है कि तुमको कहाँ जाना है तब तो कोई भी रास्ता आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है ये, आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है अगर गोल सेट कर ही नहीं रहे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के गोल्स बनाना, पर्सनल मटेरियल जो भी गोल्स हैं उनके लिए भी गोल्स सेट करना। अब कुछ लोग गोल्स क्यों नहीं बनाते, कुछ लोग इसलिए नहीं बनाते, वो सोचते हैं कि आखिर करना क्या है, बस सोच ही नहीं पा रहे करना क्या है इस जिंदगी में। कुछ लोग ये सोचते हैं, उनको ये लगता है कि ये सब लिखना विखना बेकार होता है, गोल वोल से कुछ होता नहीं है, ऐसे बहुत लिखा। अब प्रभु जी कह रहे तो लेक्चर सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लिखने वगैरह से कुछ होता नहीं है नहीं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि कैसे रिजोल्यूशंस बनाए जाते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे इतना लिखने का टाइम ही कहाँ है हमारे पास, रात में 10 बजे लौटते हैं प्रभु जी, सुबह 7 बजे चले जाते हैं, हमारे बच्चे पत्नी ही हमें देख ले वही बहुत बड़ी बात है। हम क्यों गोल बनाएंगे। मतलब भक्तों में सच में प्रभुपाद ने कहा कि आपको अगर सक्सेस पाना है, इस इंस्टीट्यूशन विल गो बाय इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, बट डिवोटीज आर सो डिसऑर्गेनाइज्ड, यू सी, सो डिसऑर्गेनाइज्ड, दे नेवर प्लान, दे नेवर ऑर्गेनाइज थिंग्स, दे नेवर, एकदम से ऐसे बस कल सुबह का लेक्चर, अब अगला सुबह का लेक्चर, अगला ये करना है। हो रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि आप ऐसे बस सुबह का लेक्चर सुनते जा रहे हैं बस, चलो ठीक है अच्छी बात है, लेकिन वेयर डू यू वॉन्ट टू सी आफ्टर 10 ईयर्स, कुछ सोचा है हमने, कुछ नहीं सोचा, कोई प्लान आउट नहीं करे। कुछ लोग ये कहते हैं भाई देखिए हमने तो अपना जीवन प्रभु जी को समर्पित कर दिया है, जैसा प्रभु जी कहेंगे। आप उनके साथ बैठ करके जा करके ऑर्गेनाइज कर लो ना अपने को, क्यों नहीं करना चाहते, मेक सम प्लान, अपने जिंदगी का कुछ प्लान बनाना है। जिम रॉन करके एक एक है फिलोसोफर, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो कहते हैं डिसाइड व्हाट यू वांट एंड राइट इट डाउन फर्स्ट। सबसे पहला काम है अगर इफ यू हैव योर गोल्स इन योर हेड और दिमाग में ही है, अगर केवल लिखा नहीं है उसको, तो वो कह रहे हैं कि दैट मीन्स दे डोंट हैव दैट मच एस्पिरेशन, दैट मच इंस्पिरेशन टू इंस्पायर यू टू पिक अप ए पेन। जब उस गोल के अंदर एक पेन उठाने तक की भी शक्ति नहीं है, वो क्या गोल है। इसलिए अब हम थोड़ा सा इसको आर्टिकुलेट करने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम इसको मतलब आर्टिकुलेट करेंगे किस तरह से हमको एक एक स्टेप के साथ। अभी हमारे पास 40 मिनट्स है, इन 40 मिनट्स में मैं आपको वो प्रोसेस बताऊंगा, कुछ एक एग्जांपल्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहला जो है वो ये है कि आप लिखते जाइए क्या क्या करना है। आप फर्स्ट स्टेप इज टू राइट एवरीथिंग, मतलब क्या क्या आपको करने का मन है। तो अभी आप कुछ 10 एक चीजें लिख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जो भी आपके मन में आता है आप अपनी डायरी निकाल लीजिए, कोई पेन पेपर आपके पास हो या फिर मोबाइल में आपको राइट करना है। ऐसे तो मैं पेन पेपर प्रिफर करता हूँ, लेकिन आप अपना कोई डायरी निकाल लीजिए या फिर उसमें आप लिखिए गोल सेटिंग किस तरह से आप करना चाहते हैं। और ये स्पिरिचुअल गोल्स के लिए मैं कर रहा हूँ, आप मटेरियल चीजों के लिए भी इस तरह का प्रोसेस को लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं 2 मिनट के लिए
हम लोग अभी 7:23 हो रहा है, 7:25 तक आप लगभग 10 चीजें लिखिए जो कि आपको कम से कम आपको नेक्स्ट ईयर में करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, कितनी 10 चीजें प्रभु जी। जितनी भी आप लिख पाए 2-3 मिनट में, जितनी भी आप लिख पाए, ठीक है, जो आपको करनी है, वो जो भी आपको अगले साल में करने की इच्छा है वो आप लिखिए, है ना। ठीक है, करने आपको लगता है कि ये चीज मैं करना चाहता हूं इस अगले साल में। हरे कृष्णा, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, गोल सेटिंग, स्पिरिचुअल गोल सेटिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको होमवर्क दिया कि आप 2 मिनट में ये लिखिए, कुछ चीजें लिखिए जो कि आप इस नेक्स्ट ईयर में करना चाहते हैं, कुछ चीजें जो आप नेक्स्ट ईयर में करना चाहते हैं, और नीचे जगह छोड़ दीजिए, और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आप करना चाहते होंगे, लेकिन ये एक जो है, आप अगर इसको लिख के नहीं करेंगे, अगर आप आलसी बने रहेंगे ना, अरे कौन लिखे, एक तो जूम पे आजकल ये आदत हो गई है सबको बस ऐसे मुस्कुराने कोई पेन नहीं उठाता, स्माइल स्माइल देने का नहीं है, लिखना है लिखना है, लिखिए क्या करना चाहते हैं आपके मन में, क्या एक सुशीला माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा लिख रहे हैं आप, अच्छा ठीक है ठीक, स्पिरिचुअल मटेरियल जो भी है आपके मन में आ रहा है लिख दीजिए। देखो अभी बहुत, 2 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, आप अगर वीडियो ऑन करके करके बैठेंगे ना आपका मन लगेगा, आधे घंटे के लिए वीडियो ऑन करके एकदम सामने सामने बैठ जाइए, है ना, नहीं फिर मन चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो कई लोग फिर खराटे लेने लगते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस वी यूज टू डू इन कंपनी, कंपनी में हम किया करते थे एंड इट वॉज वेरी वेरी इफेक्टिव, ये जो कंपनी में हम किया करते थे ये बहुत इफेक्टिव होता था, लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन में हम आ गए, हमने सोचा पूजा पाठ है करना चाहिए थोड़ा बहुत,
मम्मी लोग करती थी इसलिए करते हैं, मम्मी लोग करती थी इसलिए नहीं कर रहे हैं, गोपियों के अनुगत्य में जा करके राधा रानी के अनुगत्य में सेवा करना है इसलिए कर रहे हैं। इस दुनिया आईएएस बनने से भी बड़ा गोल है, इसलिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बस हम आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आप देखो, आपने जो गोल्स लिखे हैं, कोई कोई गोल्स ऐसे लिख दिए होंगे कि बिकम ए प्योर डिवोटी। कुछ लोग तो सीधा ही बस लिख देते, सीधा ओपन, शुद्ध भक्त बने अगले साल, इस साल तो नहीं बन पाए, अगले साल शुद्ध भक्त बन जाएं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे ना बड़े बड़े गोल लिख देते हैं। मतलब कुछ लोग लिख देंगे लर्न ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेक्स्ट, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स। अब सोचो ये ब्रह्मा जी भी नहीं सीख पाएंगे। ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लर्न ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नेक्स्ट ईयर। देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे गोल्स आपको बनाने चाहिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो सबसे पहले तो चीज है कि जो भी चीजें आप बनाए, जो भी चीजें आप सोच रहे हैं, उसमें से कुछ एक चीजें तो ऐसी होंगी जो कि आपको करने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ लोगों के, आप लोग तो सब भक्त हैं, कुछ लोग ऐसे गोल बनाते हैं कि वॉच ऑल मूवीज ऑफ प्रभास, या फिर सारी जूनियर एनटीआर की सारी मूवीज देखनी। ये तो एकदम बेकार ही है, इसको कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि आपकी अगर नौकरी नहीं लगेगी, घर में पैसे कम पड़ जाएं अगर, तो प्रभास जी आके देंगे नहीं। इसलिए ये तो कुछ तो यूजलेस है। तो पहले तो जो भी आप बनाएं उस पे कमिटमेंट होना चाहिए, जो भी चीजें होनी चाहिए, और दूसरी चीज वो एक रियलिस्टिक कमिटमेंट होना चाहिए, वो चीज आप करना चाहते हो। सबसे पहली बात है कमिटमेंट, ये होना चाहिए कि सच में आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये करना बहुत आवश्यक है। जैसे मैं पूछूं, किसी कोई कुछ बता सकते हैं, कोई कोई बता सकते हैं, एक दो लोग जो अपने अपने गोल्स जो लिखे हैं आपने, एक दो कोई बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्णा। जी, मेरा जो पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम पढ़ने का जानने का मुझे बहुत दिन से इच्छा था। तो भगवत गीता भी मैं कुछ नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से आप कांटेक्ट में आया, और मैं 2016 के बाद, तो मैं धीरे धीरे सुनते सुनते प्रसाद खाने के बहाने इस्कॉन गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने जुड़ते जुड़ते थोड़ा बहुत तो भगवत गीता सुनना शुरू कर दिया और पढ़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन श्रीमद् भागवतम के बारे में मैं सुनता हूँ कि वहां पे भगव उसमें है कि जहाँ भगवत गीता समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवतम स्टार्ट होता है। मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ कि आखिर है क्या, मतलब श्रीमद् भागवतम में। तो एक तो ये है, और दूसरा कि चैंटिंग में 16 तो कर नहीं पाया, तो मेरा एक टारगेट है, मेन टारगेट तो 16 करने का है, तो उसको पहुंचाना किसी अरे तरह। वेरी यही गुड, दो है। ठीक है ठीक है। संदिनी राधा माता जी, आप कुछ बता सकते हैं, जो भी बताने लायक अगर आपको लगता है कंफर्टेबल है आप तो बता सकते हैं। हाँ, तो हरे कृष्णा दंगत मैम। तो मुझे आपके गाइडेंस में रह के तो कोशिश कर रहे कि कर सके, और आपका आपके आश्रय बनने से तो बहुत सारे लोगों का उद्धार हो रहा है। मेरा तो यही है प्रभु जी की स्पिरिचुअल लाइफ में, और थोड़ा मेटेरियल लाइफ में भी मैं थोड़ा कुछ करना चाह रही हूँ। और स्पिरिचुअल लाइफ में तो आप है प्रभु जी गाइडेंस करने के लिए, और मेटेरियल लाइफ में भी थोड़ा पॉइंट दीजिए। और जैसा कि गुरु महाराज का आदेश है, उसको हमको रेगुलर अच्छे से फॉलो करना है, और मेन मॉर्निंग साधना मैं अच्छे से करना चाह रही हूँ प्रभु जी, उसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए। और वैसे तो मैं बहुत सारे पॉइंट लिखे हूँ प्रभु जी। कोई एक ऐसी जो बता सकते हैं आप जो। जैसा कि प्रभु जी मैं रीडिंग करती हूँ, हाँ और लेकिन मैं नोट्स प्रॉपर तरीके से नहीं बना सक रही हूँ, उसके लिए आपका गाइडेंस चाहिए। और प्रभु जी जैसा टाइम का यूटिलाइजेशन, जैसा कि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मुझे टाइम बहुत है, लेकिन मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर सक रही। तो एक सिस्टमेटिक वे में यूज करेंगे तो हम और थोड़ा अच्छा से हियरिंग कर सकेंगे, और अपनी साधना के लिए यूजफुल होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और वैष्णव सेवा है ना प्रभु जी,
उसके लिए भी थोड़ा दासन और दास के रूप में करना चाहिए थी, तो उसके लिए भी मुझे गाइडेंस आपका, कुछ तो बता देते ठीक, क्षमा करना चाहिए। नहीं, ठीक है, क्योंकि माता जी बहुत सारी चीज़ें पहले से ही कर रहे हैं, तो इसलिए माता जी का मोस्टली सब कुछ बिहेवियरल है। लेकिन आप जो गोल्स बनाते हैं, सेटिंग जो गोल्स बनाते हैं, उसमें उसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है गोल सेटिंग में। अब ये जो गोल्स आप लिखते हैं, वो पहली बात की स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक मतलब स्मार्ट, SMART, स्पेसिफिक का, एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब एग्जैक्टली क्या चीज करनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। मतलब जो गोल है उसको एक स्पेसिफिक चीज, ये चीज होगी और इस तरह से इसको मेजर किया जाएगा और रिलेवेंट होना चाहिए और कब होगा, मतलब इस तरह का गोल बनाना चाहिए। तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो चैंटिंग की, मान लो, तो चैंटिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो तो इसको कैसे हम मतलब टेस्ट करेंगे या किस तरह से हम इसको इंप्रूव करेंगे, उसका स्पेसिफिक कुछ हमको बनाना पड़ेगा। तो उसको हम ये करेंगे कि एवरी डे आई विल ट्राई टू चैंट इन फ्रंट ऑफ तुलसी विद एक जपा कार्ड लेकर के और एक जगह बैठ करके इस तरह से हर दिन जप करने का प्रयास करेंगे। किस दिन नहीं जप किए, किस दिन जप किए, उसका हम काउंट रखेंगे कि डे थर्सडे ऐसा नहीं रखा, तो मतलब एक परसेंटेज में 80% हम ट्राई करेंगे, तो ये मेजर हो जाएगा। तो हम स्पेसिफिक हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि अनवांटेड चीजों को सबसे पहले निकाल देना चाहिए। ऐसे गोल्स नहीं बनाने चाहिए जो कि फालतू के गोल्स हैं। फिर जो गोल्स आपने लिखे हैं उसके प्रति आपका कमिटमेंट होना चाहिए, मतलब वो आपको इंस्पायर करना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है कि मैं वेस्टर्न म्यूजिक को परस्यू करना चाहता हूँ। मैंने नहीं, अभी मैं इंडियन म्यूजिक मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, वेस्टर्न म्यूजिक, तो उसके लिए वो क्या क्या मुझे, मतलब ये पक्का है कि अब सीख लिया तो ये कर सकूंगा मैं, है कि नहीं? तो पर मुझे कमिटमेंट है, मुझे लगता है कि मुझे सीखना है, दिस इज गुड फॉर सर्विस ऑफ कृष्णा, तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज रियलिस्टिक गोल्स बनाने चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब ये हवाई फायर नहीं बनाना चाहिए, ऐसा कि हो ही ना पाए, है ना? नहीं कि अगले साल चिना दपी सुनी चेना तरो रूपी सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सहारा सदारी, इसको मैं एकदम पालन करेंगे अनरियलिस्टिक है। और दूसरी चीज ये है कि मेजर कैसे करेंगे, प्रयास कर सकते हैं पर इसमें देखना पड़ेगा इसके लिए। तो ये जो एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि आपने जो रिजोल्यूशन बना रहे हैं आप वो रियलिस्टिक हैं। जितना आप बनाना चाहते हैं बहुत ऊंचा, उससे थोड़ा कम ही डालिए। पर अगर आप सेटिंग नहीं करेंगे इस तरह से तो आपको कोई चैलेंज आएगा ही नहीं, लाइफ में कोई चैलेंज नहीं रहेगा। श्रील प्रभुपाद एक बार ये बोलते हैं कि द ड्यूटी ऑफ द लीडर इज टू गिव चैलेंजेस टू हिज सबॉर्डिनेट्स। जैसे हिजूरियस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं डबल हिट, है ना? प्रभुपाद जी कहते हैं डबल हिट, नया टारगेट दे दिया। कितने का टारगेट है? 16 लाख का टारगेट है, 16 लाख भगवद गीता चैलेंज आ गया, सब लोग एकदम जोश में आ गए, यस यस करना है। इस तरह से आप भी अपने आप को चैलेंज देंगे, ये बात सही है, लेकिन बहुत ही बड़ा चैलेंज नहीं देना है। वो रियलिस्टिक मतलब उसको सोच के रखना है कि क्या ये हो पाएगा, इसको मेजर कैसे करेंगे। थर्ड
थर्ड थिंग इज, अब ये दोनों टेस्ट के बाद इसको लिखना है, सब चीजों को जो भी आपने अब करना है उसको लिखना है। तो कुछ चीजें आएंगी आपके हर एक रोल के अनुसार, जैसे कि आपका जो भी रोल है उसके अनुसार आप लिखिए। अब रियल आप, अभी तक तो आपने हैप हजार्डली लिख लिया, अब आप रियल लिखेंगे अपने रोल्स को। एक तो आपका रोल है, मान लो जैसे मेरा रोल है आई एम ब्रह्मचारी, एंड आई एम ए डिवोटी मॉन्क, एक बेटा भी हूं मैं, आई एम ए काउंसलर, और तो इस तरह से जो भी हमारे जो रोल्स हैं, जैसे मान लो संदीनी राधा माता जी, तो वो माँ हैं, एक पत्नी भी हैं, साथ में एक शिष्य भी हैं। तो अब इस हर एक रोल में कुछ कुछ चीजें होंगी जो आप करना चाहते हैं, तो इसका हमको एक टास्क बना लेना चाहिए, या तो रोल्स का भी बना लें, नहीं तो एक ऊपर ऊपर से एक लिस्ट बना लें कि ये 10 चीजें तो मुझे करनी ही चाहिए। कम से कम लेकिन इसको लिखना बहुत जरूरी है, आप अगर लिखेंगे, लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखने से ऐसे हवा हवा में रहता है सब कुछ, लेकिन लिखने से आपको कुछ चैलेंज मिलता है, कुछ ठीक है ये चीज है मुझे करनी है ना, ठीक है। फिर अब उसके बाद जो भी आप गोल सेटिंग करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है, उसके लिए एक फीजिबल प्लान बनाना है, एक एनवायरनमेंट बनाना है। तो सो द फोर्थ स्टेप इज मेक ए प्लान। सबसे पहले मान लो मैंने ये लिखा यहाँ पर कि मैं मेकिंग कोर्सेस फॉर ऑल शिला प्रभुपाद बुक्स, सारे शिला प्रभुपाद बुक्स के ऊपर मैं कोर्सेज बनाना चाहता हूँ। तो अब ये मेरा एक इस्कॉन, ये इस्कॉन के लिए कंट्रीब्यूशन है कि मैं कोर्सेज बनाना चाहता हूँ, और कुछ जो है कुछ बुक्स हैं जो कि मैं एज ए मतलब वो डॉक्यूमेंट मैं देना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमको क्या प्लान बनाना पड़ेगा, या फिर ये है कि प्रीचिंग टू 120 डिवोटीज, मान लो 120 भक्त बनाने हैं आपको साल में, एक साल में 120 भक्त बनाने हैं। तो उसके लिए आपको पहले से प्लान बनाना पड़ेगा, अच्छा महीने में इतने, इसका मतलब अगर 10 भक्तों को टच करना है तो 100 लोगों को टच करना पड़ेगा, तभी 10 लोगों को मैं उसमें से निकाल पाऊंगा। तो 100 लोग कैसे आएंगे प्रतिदिन, कैसे 100 लोग मेरे टच में आ सकते हैं। तो फिर वो 100 में से 10 सीरियस डिवोटीज बनेंगे, फिर उन 10 को कल्टीवेट करते 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 120 डिवोटीज हम लेके आएंगे। तो इस तरह से इन्विजन करना है, मेक ए प्लान डेली वीकली, किस तरह से हम इसको अचीव करेंगे। तो डेली वीकली मंथली ईयरली, तो ईयरली तो आपने ये लिख लिया कि 120 डिवोटीज हमें बनाना, तो आप डेली के लिए आप कैसे इसको अचीव करेंगे, हर दिन आप कैसे मिलेंगे। अब आई हैव टू रीच एटलीस्ट 100 एक महीने में, मतलब एक महीने में हमको 10 भक्त बनाने, इसका मतलब ये है कि एक महीने में हमको कम से कम 10% रूल है, तो उसके अनुसार हमको 100 जो है लोगों को टच करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट एक दिन में आपको कम से कम 4 लोग तो ऐसे होंगे जिनको आपको न्यू लोगों को टच करना है। अब ये टच कैसे करेंगे, इसी तरह से आप भी अपना बना सकते हैं, मान लो वो म्यूजिक वाला है ना, नहीं तो इसका एक सिलेबस बनाएंगे, मंथली हमारा इतना हो जाना चाहिए, ईयरली डेली वीकली कितना हो जाना चाहिए, इसका एक प्लान बनाना चाहिए। और फिर किसी किसी के ऐसे गोल्स होंगे कि मान लो उनको शराब छोड़नी है, मान लो ठीक है, तो शराब छोड़नी है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए आपको और एक टेक्निक है जो कि मैं बताऊंगा कि बिहेवियरल जो टास्क हैं उसको कैसे करते हैं। तो अभी हम इसको कर लेते हैं पहले। फिर फिफ्थ स्टेप है बी फ्लेक्सिबल,
बी फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि आप ऐसा बनाइए कि मान लो अगर आप डेली कुछ नहीं कर पाते तो वीकली वाले को फिक्स कर दीजिए कि कुछ नहीं, तो अगर हम डेली 4 लोग को मान लो नहीं टच कर पाए, हफ्ते में 2 दिन मिस हो गया या 3 दिन मिस हो गया, तो कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप इसको एडजस्ट कर सकें, थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम दे सकें। ठीक है, अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी में ये सोचना चाहिए कि इस जो गोल है, जैसे कि मैंने लिखा है कि लर्निंग बंगाली, मुझे बंगाली लैंग्वेज नेक्स्ट ईयर सीखनी है ना, नहीं तो अब मुझे लगता है कि बंगाली लैंग्वेज मुझे लिखना पढ़ना आना चाहिए, 1 साल में कम से कम इतना तो हो कि मैं समझ जाऊं, इतना होना चाहिए। अब मैंने ये टास्क लिखा है कि मुझे बंगाली सीखनी है, तो अब इसको मुझे इसको बांटना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि बंगाली सीखने में मुझे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि मैं सीख तो लूंगा कभी, लेकिन बाद में मैं भूल जाऊंगा, तो मुझे रेगुलरली कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं बंगाली में बात कर सकूं, या फिर मैं बंगाली कुछ कुछ बातें सुन सकूं, नहीं तो कुछ दिन बाद भूल जाता है। तो उसके चैलेंजेस को आपको सर्च करना पड़ेगा, वॉट कैन बी द चैलेंजेस आई विल फेस इन दिस। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आज ही आपको सारे गोल्स लिखने हैं, एक दिन इत्मीनान से बैठिए, लिखिए, प्लान आउट कीजिए हर दिन में क्या करना है, जितनी भी चीजें आपको लिखनी है लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्लान आउट करना बड़ा जरूरी है। फिर उसके बाद क्या कीजिए, रिमाइंडर लगाइए और एक प्रोग्रेस ट्रैक करने का सिस्टम बनाइए, मतलब किसी एक भक्त को एक्सप्रेस कर दीजिए, जा बता दीजिए कि प्रभु जी ये हम करना चाहते हैं, मतलब आपको 15 दिन बाद ये रिपोर्ट मैं दूंगा या दूंगी। आप समझ पा रहे हैं, किसी एक भक्त को आप एक रिपोर्टिंग अथॉरिटी के रूप में बना दीजिए कि भाई ये मैं रिपोर्ट आपको दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो अब की प्रोग्रेस ट्रैक होने लगेगी कि महीने में हमने ये चीज नहीं किया, अरे ये भी नहीं किया, अब उनको बोल देना है कि अगर प्रभु जी नहीं हो तो आप डांट दीजिएगा मुझे। और जब जब आप कोई गोल अपना कर ले, जैसे कि मान लीजिए कि 1 वीक में आपने आपका टारगेट था कि 1 वीक में 30 डिवोटीज को आप 30 लोगों को आपको 30 न्यू लोगों से मिलना था, 1 वीक में 30 का टारगेट है आपका, तो ये प्रीचिंग के लिए आपने ये बनाया था कि 1 वीक में 30 लोगों को हमें मिलना है मान लो, तो अगर आप मिल लिए 30 लोग से तो एक दिन अपने आप को गोविंदाज में फेंक दीजिए, अब एक रिवार्ड दीजिए कि यू डिड दिस वेरी नाइस, या फिर कुछ अपने लिए कुछ ले सकते हैं, कुछ परचेज कर सकते हैं, एनी हाउ तो इस तरह से करके कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, सबसे मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लिखना, उसके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना कि मैं वीकली डेली ये क्या करूंगा, फिर उसके प्रोग्रेस को ट्रैक करना, उसके लिए किसी एक भक्त को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए जो कि हमारे जो गोल्स को है उसको याद दिला सके, उसको रिपोर्टिंग हम कर सके। फिर क्या करना चाहिए, अपने जो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने आसपास के जो लोग हैं, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े प्रभु जी हो, आसपास के जो लोग हैं, कोई मित्र हैं, उनसे भी क्लोज डिस्क्लोज कर सकते हैं कि भाई देखो मेरा ये टारगेट है कि हर दिन का मुझे ये करना है, या वीक में मुझे ये करना है, मुझे याद दिला देना अगर मैं नहीं कर रहा हूं। तो अब जब ये जब गोल्स आपके बन जाएंगे, देखो जब ये गोल्स बन जाएंगे तो आपका लाइफ ना बड़ा एक्साइटिंग सा हो जाएगा, और ये करना है, अच्छा मुझे ये भी करना है, कुछ नया चीज हो जाएगा है ना, नहीं फिर क्या होगा, एक अलग सा ही टेस्ट आएगा लाइफ में,
बहुत मतलब टेस्टी लगने लगा है सब कुछ। तो इसीलिए सभी लोग को अब आज अभी तो हम इसको यहीं पर क्लोज करें। सभी लोगों को इस चीज को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हम टारगेट्स बनाने हैं, उस टारगेट को बनाना चाहिए जो लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझसे शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और उनको ट्रैक अगर रखना है तो आप उसका एक प्लान बना सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि गोल तो हम बना लेते हैं, लेकिन अब पालन करने के लिए हमको बल कैसे मिलता है? तो बल मिलता है हमको प्यूरिटी से, ठीक है? जो प्यूरिटी, अब वो प्यूरिटी तो मेंटेन हो पाएगी नहीं हो पाएगी, उसके लिए एक स्टेप हमको जो चीज है वो ये है कि अपनी जो चैंटिंग है या मॉर्निंग है उसके डिटर्मिनेशन जो है वो चैंटिंग से मिलता है। तो आपको वो एक चीज जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मॉर्निंग का साधना आपका या चैंटिंग के लिए आपको फिक्स रहना पड़ेगा। आप कहेंगे प्रभु जी वही तो करना था, वही तो टारगेट था, है ना? नहीं, लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देर इज ए कॉन्सेप्ट इन कॉरपोरेट कल्चर, इसको बोलते हैं क्रिएटिंग फैसिलिटीज या क्रिएटिंग एनवायरनमेंट। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ध्यान पूर्वक जप करना है, ठीक है? तो आप अब जहां पे जप करते हैं वहां पर आप एक बढ़िया सा आसन लगा दीजिए, तुलसी का एक टेबल बन ले लीजिए, और एक उस समय जहां पर आप जप करना चाहते हैं उसके लिए एक हीटर खरीद लीजिए कि भाई वहां पे मैं जप करूंगा, तो उसका फिर पानी का बॉटल वैसा ले लिया। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दीजिए, एकदम इन्वायरमेंट ऐसा कि जब वहां पे जाए तो हमको माला करने का मन करे। उसी तरह से किसी को मान लो म्यूजिक का मन है ना? नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, उसका इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे? कोई कोर्स ज्वाइन करो, पहली बात थी, कोई कोर्स ज्वाइन कर लो, या फिर कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती कर लो। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलर डिजायर्स। इसमें ये कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख करके और ज्यादा इंस्पायर होता है। मतलब दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। लाइक शिवांश प्रभु को मान लो एक करना है कि ये टास्क है कि शिवांश प्रभु वांट्स टू लर्न मृदंगा, ठीक है? तो एक दोस्त बनाइए जिसको भी मृदंगा सीखना है, नहीं तो या तो फिर किसी भी तरह से ये फ्रेंडशिप में ये दो आपस में दो तीन दोस्त बना लीजिए। और दो दोस्त में कई बार ऐसा होता है वो बोलते हैं मैं सो रहा हूँ, वो बोलते मैं भी सो रहा हूँ, तो छोड़। तो दो तीन दोस्त बना लीजिए, दोस्तों के साथ फिर इसको करने का प्रयास कीजिए। तो उसमें फिर क्या होगा कि एक दूसरे का इंस्पिरेशन मिलेगा। फिर क्या कीजिए, उसका एसोसिएशन क्रिएट कीजिए, फिर उसकी फैसिलिटीज क्रिएट कीजिए, उसके बारे में कन्विक्शन लाने के लिए ऐसे लोगों से एसोसिएट कीजिए जो कि खूब अच्छा मृदंग बजाते हैं, उससे आपको बार बार इंस्पिरेशन मिलेगी। जैसे हमारे गाजियाबाद मंदिर में जब मैं नया नया था तो कुछ प्रभु जी लोग आते थे, राधा गोविंद महाराज के शिष्य थे, वो लोग मृदंग बजाते थे और उनकी बहुत एकदम बहुत अच्छे से बजाते थे, जोर जोर से बजाते थे। इतना अच्छा लगता था, मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता था कि मेरे को भी ऐसे बजाना। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू क्रिएट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगुलर डिजायर्स। मतलब एक और व्यक्ति को खोजिए जो भी यही करना चाहता हो। मान लो आपको चैतन्य चरितामृत पढ़नी, तो एक ग्रुप बन गया अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ने का, तो आपकी चैतन्य चरितामृत हो जाएगी। यू विल बी फोर्स टू कंप्लीट चैतन्य चरितामृत। तो इसको एसोसिएशन क्या करता है, एक सपोर्ट सिस्टम देता है, ठीक है? दिस इज द, आपको एक्सटर्नल एक सपोर्ट सिस्टम देता है जिसमें आप बार बार फोर्स्ड होते हैं वो काम करने के लिए, ठीक है? तो अब ये जो अपना न्यू ईयर जो आप अभी कस्टमाइज कर रहे हैं, आप देखो कि पिज्जा आप खाते हैं अगर, तो पिज्जा भी आप खाएंगे ना, तो आप जाके बोलेंगे, मैं जैसे मेरे भाई लोग, मेरे भांजे सारे जब आते हैं, या मैं कभी बॉम्बे जाता हूँ तो मेरे मौसी के जो ये बच्चे हैं या फिर जो मेरे सिस्टर के बच्चे हैं उनको कुछ खिलाना होता है,
तो मैं सोचता हूँ कि नहीं इनको क्या चीज़ खिलाना चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं हो जाए, तो हम सारा प्लान करते हैं। उसी तरह से अपने ईयर को भी इसी तरह से हमको प्री प्लान करना चाहिए, फिर उसके बाद इसके एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, उसका एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने आपको एक बताया कि चैतन्य चरितामृत अगर आपको पढ़ना है तो कुछ क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और एक जगह लिख करके लगा दीजिए कि ये मेरे टास्क हैं जो कि मैं कर रहा हूँ, नहीं चैतन्य चरितामृत कंप्लीट करना है, नहीं, या फिर सिंथ अगर कंप्लीट करना है, वो सिंथेसाइजर का वेस्टर्न म्यूजिक सीखना है तो उसके या तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ऐसा ऑनलाइन कुछ फ्रेंड्स बनाइए जो उसी क्षेत्र के हों। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग द सपोर्ट सिस्टम, उसका एक सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर किसी का मान लो ये है कि मैं जब भी हम सेवा करेंगे तो बहुत प्रार्थना, वैष्णवों की सेवा हम करना चाहते हैं, वैष्णवों की सेवा आप करना चाहते हैं बहुत हृदय से, वैष्णवों की सेवा करना चाहते हैं मान, तो फिर वैष्णव सेवा हृदय से हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, हर बार हृदय से सेवा हो इसका मतलब अपनी साधना बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा चीज, वैष्णवों के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक सपोर्ट सिस्टम है जो उस टास्क को कंप्लीट करने में आपको मदद करेगी। तो मान लो आपको बुक राइटिंग करनी है, जिसे मैंने लिखा है, तो किताब आपको लिखनी है, मान लो कोई बुक, तो कोई बुक लिखनी है मतलब आपको प्रॉपर सेटअप होना चाहिए ना, वैसे ये भी बुक राइटिंग करनी, तो फिर उस तरह का सेटअप होगा तो आपका मन करेगा कि नहीं चलो मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो क्रिएटिंग द सपोर्ट सिस्टम, दिस इज द लास्ट पॉइंट विच ये चीज जो है हमको करना चाहिए। दूसरा चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जो कि श्रील प्रभुपाद ये कहते थे कि गोल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट बाद में फिर वो जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक बार आपने प्लान बना लिया तो प्लान फॉलो करना, गोल्स पे ज्यादा नहीं कि एक दिन मैं बहुत ही अच्छा वो कीर्तनिया बन जाऊंगा, फिर सब लोग मुझे कहेंगे प्रभु जी आपके साथ सेल्फी लेना, इसमें ज्यादा सोच सोच के टाइम नहीं वेस्ट करना है, पर जो प्लान बनाया है उसको करना बहुत जरूरी। ठीक है, तो अभी हमारे पास 5 मिनट है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊं ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, बड़ी अच्छी टेक्निक है, आपको फिर ना फटाफट से आपको जोश आ जाएगा, एकदम लाइफ में जोश आ जाएगा। मतलब अभी तक लाइफ ऐसे बोरिंग चले थे, हर दिन सुबह उठते चलो ना लो ऐसे चलता था, अब एकदम लाइफ एकदम एंथुसियास्टिक हो जाएगी, जोश से भर जाएंगे आप, है ना। अच्छा, सुनीता माता जी कुछ पूछ रहे हैं। यस माता जी, यस माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अभी जैसे है ना, गोल तो हमने सेट कर लिया, उसमें क्या है, एक ओ मतलब सोसाइटी में एक लेडी है जिनकी मैं सेवा करती हूँ जाके, बेड रिडन है वो, तो उनको अच्छा, मैं हफ्ते में कम से कम 2 दिन जाकर उनको महामंत्र और ऐसे थोड़े भजन वगैरह सुनाकर आती हूँ घर पे जाके। तो अब है ना, लेकिन मैं उनको और मतलब 2-3 दिन मतलब पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, लेकिन क्या है मेरे को जैसे बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो फिर उस वक्त क्या करेंगे हम? अभी पूना जाना है मेरे को, तो फिर क्या करूं मैं? फिर ये गोल तो वो हो जाता ना प्रभु जी। तो हमको अपने पैटर्न को देखना पड़ेगा, टाइम का यूटिलाइजेशन का पैटर्न क्या है हमारा। जैसे आपको महीने में, साल में 2 बार पूना जाना पड़ता है मान, ठीक है, तो आपने देखा कि अच्छा ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, तो गोल या तो इसी तरह से सेट करें कि हम साल में 10 महीने इनकी सेवा करें, या फिर हम इस तरह का गोल सेट करें कि फिर उन किसी और से मदद लें, किसी भी तरह से करके इनकी सेवा होती रहे, आप समझ पा रहे हैं। तो हमको उस गोल ही उसी तरह का सेट करना है, या तो हमको अपना पैटर्न कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो एडहॉक हो जाएगा,
कुछ तो हमको पता रहेगा, तो कुछ प्रभु जी तो कहते, रहेगा पता अच्छा रहेगा। वो क्या है ना, वो अल्जाइमर पेशेंट है, सब भूल जाती है माता जी, वो खाली मुझको ही याद रखती है बस, और बार बार पूछती रहती है। तो वो मैं बोली ठीक है मैं आऊंगी उनके घर पे, मैं कोशिश बहुत करती हूँ हमेशा जाने की, लेकिन आप वही सोच रही कि मतलब मैंने सोचा कि मैं उनसे जरूर जाके मिलके जाऊंगी, लेकिन फिर मैं बोली कि गोल तो, ये गोल तो नहीं हुआ मेरा फिर, कि मैं अचीवमेंट तो नहीं कर सकूंगी। हाँ ठीक है, आप अपने सेल्फ नरिशमेंट के लिए कुछ रखिए, है ना, नहीं ऐसे गोल्स बनाइए, ये तो आप अपने सेवाओं में लिख सकते हैं, ये मेरी सेवा है, ये मैं करना चाहती हूँ, ऐसे लिख सकते, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? आस्था माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हाउ टू डील विद प्रोकास्टिनेशन एंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें बिटवीन मटेरियल लाइफ एंड इन स्पिरिचुअल लाइफ आल्सो। ये जो प्रोकास्टिनेशन है, प्रोकास्टिनेशन के लिए ये सबसे अच्छा तरीका जो लास्ट में मैंने बताया, क्रिएटिंग ट्रायंगुलर डिजायर्स, का मतलब यह है कि दो तीन लोग एक जैसे मूड वाले अगर मिल जाएं, उसके बाद आपने एक शेड्यूल बना लिया, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन करने बैठेंगे और उनका कॉल आ जाएगा, हरि बोल, अरे आप आए नहीं जूम पे वो जी है जी ना, नहीं तो ऐसे कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर पाएंगे, हमको ये समझना पड़ेगा कि बार बार इसके बारे में सोचते 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 ऐसे टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम प्रोकेस्टिनेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, बाय क्रिएटिंग ट्रायंगुलर डिजायर्स, बाय क्रिएटिंग टारगेट्स एंड शेयरिंग विद आवर काउंसलर कि ये मुझे करना। अब मान लो आपने टारगेट बना लिया और उसके बाद हम नहीं कर पाए तो डांट पड़ेगी, इसलिए हमने अब इस तरह का हमने टारगेट अगर बना लिया है तो फिर हमें अच्छा मतलब हेल्प मिल जाएगा, फिर जो एसोसिएशन रहेगा वो भी कॉल करेंगे कह रहे प्रभु जी आपने ये नहीं किया, तो उससे भी प्रोक्रेस्टिनेशन काफी चला जाएगा। रही टाइम मैनेजमेंट की बात, तो मैंने बहुत बार बताया भी था, ऐसा एक पेपर लेना चाहिए, ऐसा जी प्रभु जी, देखो ये बहुत बड़ा पेपर है मेरे पास होता है ऐसा पेपर जी बढ़िया सा ऐसा पेपर लेना चाहिए, इसको ऐसा अच्छा फोल्ड करना चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया आपका 15 दिन का शेड्यूल, जी प्रभु इसमें एक कैलेंडर डेट डालनी चाहिए, हर दिन के लिए कुछ टास्क लिखने चाहिए। फर्स्ट क्लास इसको कैसे बनाते, देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ऐसे इसमें एक घड़ी बनाना चाहिए 12 3 6 9 ऐसे लिखना चाहिए, हर दिन के अपने टास्क को इसमें एलोकेट करना चाहिए। फिर मान लो ये जो आपका पेपर है, एक 15 दिन के लिए 8 8 16 दिन आता है ना, इसमें डेट्स लिखनी चाहिए आपको, और मान लो कुछ चीजें कल करनी है तो उसका ये देख, और ये पेपर आप अपने पास हमेशा रख सकते हैं एक पेपर। अब आपका शेड्यूल मान लो आपको आज फिजिक्स पढ़ना है, या फिर आपका तो क्या है, आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? जी, मैं HS की तैयारी कर रही हूँ, उसमें आपको आर्ट्स भी आ जाता है, मेडिकल भी आ जाता है, और मेरा ऑप्शनल बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी है, सो उसमें इकोनॉमिक्स वगैरह, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आते हैं। मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़नी, तो आज आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी, आपने उसको डाल दिया कि मैं थर्ड को हिस्ट्री पढ़ूंगी, तो ये 15 दिन का शेड्यूल आपके पास है। अगला पेपर जब ये खत्म होने लगे तो अगला पेपर निकाल लिया, अगला 15 दिन का शेड्यूल, देखो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेपर पड़े हुए हैं आप देख रहे यही है हमारा काम, देख ऐसे ही ये सब पेपर पड़े हुए ऐसे ही है। अब ये सब फाइल में लगा करके अगर मैं कभी बाद में देख करके मैं हटा देता हूँ, लेकिन अगर ये फाइल में लगा के रखे तो अगर कोई आपसे पूछे कि 3 साल पहले आपने क्या किया इस दिन, तो आप बता सकोगे ये चीज मैंने की थी,
कितना प्लान्ड है आप, देखो कितने प्लान्ड है आप। अगर कोई 3 साल बाद पूछेगा कि आपने 3 साल पहले क्या किया था, तो आप बाद में आपको देख करके बहुत अच्छा भी महसूस होगा। फिर एक बढ़िया सा फोल्डर बनाना चाहिए, मेरे पास है एक फोल्डर ग्रीन कलर का, तो उसमें सारा ये रखते रहना चाहिए। फिर 1-2 महीने के बाद अगर आपको लगता है कि इसको नहीं रखना है, तो आप नहीं भी रख सकते। इसमें ही आप इस तरह का ही कोई श्लोका मेमोराइजेशन और इन सब का भी टास्क इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो हर दिन कुछ आप बना सकते हो, उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको सबसे पहले करना चाहिए। जैसे कि आपकी जो पढ़ाई है मान लो, या फिर आपकी जो चैंटिंग है, वो सबसे पहले करने का प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट फिनिश चैंटिंग, वो सबसे बड़ा पत्थर है, तो सबसे पहले चैंटिंग फिनिश करना चाहिए। फिर उसके बाद हेल्थ का जो शेड्यूल है, बॉडी का जो शेड्यूल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो आपको एक्सरसाइज करना है या फिर योगा करना है, बहुत जरूरी है। तो कोई चीज छूटे ना, इसके लिए कम से कम शेड्यूल को पालन करने के लिए आपको वो चीज का मिनी वर्जन भी एक रखना चाहिए। मान लो योगा आपने डिसाइड किया, तो योगा का मिनी वर्जन क्या है? 7 मिनट्स योगा। अगर टाइम नहीं रहेगा तो मैं 7 मिनट योगा करूंगी, अगर टाइम रहा तो 20 मिनट्स करूंगी। 7 मिनट्स में क्या करेंगे? 2 मिनट एरोबिक्स, 5 मिनट प्राणायाम, समझ गया? तो जी प्रोफेसर, बाद ने कहा कि फ्रॉम 7 to 20 मिनट्स यू कैन डू एक्सरसाइज। तो आप 7 मिनट्स में क्या कर सकते हैं? 2 मिनट एरोबिक्स, एरोबिक्स का मतलब आप वॉकिंग जॉगिंग जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और 5 मिनट्स आप क्या कर सकते हैं? आप योगा प्राणायाम ये सब जो भी है वो कर सकते हैं। और अगर आप 20 मिनट्स हैं, तो आप 5 मिनट्स to 7 मिनट्स एरोबिक्स कीजिए, और उसके बाद फिर बाकी टाइम आप योगा प्राणायाम एक्सरसाइज और आसन इत्यादि ये सब कर सकते हैं, है ना? नहीं, तो इस तरह से एक पहले तो हर दिन का आप अगर अगर इस तरह का पेपर बना लेंगे ना, तो हर दिन का टास्क कुछ लिखा होगा आपके पास, उससे आपको बहुत फायदा होगा। फिर हर दिन इसको घड़ी बना करके अगर कर रहे हैं आप इस तरह से, वॉच देखो मैंने ये आज बनाया है ना, इसमें इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक ये करूंगा, ऐसे मैंने मेजर मेजर चीजें लिखी हैं। ये जो ऊपर की लाइन है, ये मेजर मेजर चीजें मैंने लिखी है। तो इस तरह से आप बना करके करेंगे ना, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा और हर दिन आपको कुछ ना कुछ रहेगा, टाइम नहीं वेस्ट होगा। और प्लान अगर नहीं करेंगे आप, हर दिन चैंटिंग के बाद ये बनाना चाहिए, प्लान प्लान आउट करेंगे ना, आपको लगेगा कि अरे मैं बहुत सारा टाइम तो मेरे पास है, सो मच टाइम आई हैव। फिर उसके बाद अपने गोल्स में आप देख सकते हैं, जैसे कि किसी किसी को वैष्णव सॉन्ग करने की इच्छा है। मैं अभी स्टार्ट करूंगा थोड़े दिन में, म्यूजिक क्लास और ये सब स्टार्ट करूंगा, तो कुछ ऑनलाइन ऑफरिंग्स ये सब स्टार्ट करेंगे, तो आप उसमें जैसे ज्वाइन कर लिया, जो भी चीजें करनी है उसके लिए कर लिया। मान लो ये सब नहीं भी कर पाए, तो भी कोई बात नहीं, कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा कि हम ये गोल्स बनाते हैं, पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही, तो कोई बात नहीं, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जितना हमसे प्रयास है हम। मेरे सिस्टर को कई बार ऐसे हो जाता था, पढ़ाई तो बहुत करती थी, फिर उसको कई बार दुखी हो जाती थी, अरे मेरे से नहीं हो पा रहा है। बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता था नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, और फिर कंपटीशन क्वालिफाई कर लेते, सारे के सारे कंपटीशन क्वालिफाई कर लेते थे मेरे ब्रदर भी ऐसे ही था, ऐसे ही थे, अरे अच्छा नहीं हुआ पेपर, बहुत दुखी हैं, डिप्रेस्ड हैं, और हमसे पता चला कि फर्स्ट रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक 1 देखो ऐसे है, ये सीए, तो इस तरह से जो है होता है। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, अपना प्यूरिटी मेंटेन करना चाहिए, इससे भी काफी मदद मिलती है ना? नहीं, ठीक जी। है। और कोई प्रश्न? राजेंद्र प्रताप प्रभु, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु प्रणाम प्रभु जी। जी। प्रभु जी, क्रोध को कैसे प्रभु जी उसमें कम कर सकते हैं? प्रभु जी क्रोध तो कम होगा पहले से, लेकिन ये प्रभु जी इसमें क्रोध कैसे हमारा कम हो, कि हम उसमें क्या करें और उसमें क्या हमें प्रयत्न करने चाहिए प्रभु जी, कि जिससे कि हमारा जो है क्रोध कम हो प्रभु जी। तो जी, जो सूक्ष्म शरीर है ये भी यंत्र है। ब्राह्मयम सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, ये 8 वस्तुओं का ये यंत्र है ये शरीर।
जो सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार है, ये भी उस यंत्र के अंदर आता है। तो इसको भी यांत्रिक रूप से इसको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। बार बार जब आप अभ्यास करेंगे ना, पहली बार कुछ देर रुकने का, है ना, नहीं कुछ सी चीजें सोचना कि जिस चीज के लिए मैं क्रोध कर रहा हूं, अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो क्या होता। मैंने आपको बताया बहुत अधिक क्रोध करना छोटी गलती पे, ये काम वासना का लक्षण है। तो और अपने भोजन की हैबिट्स में नियंत्रण करना, थोड़ा वॉकिंग करना, ये वासना का लक्षण है। थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। अब क्या है, आजकल चैंटिंग बहुत करते हैं, इसलिए वॉकिंग का टाइम नहीं मिल पाता, पर चैंटिंग के साथ वॉकिंग करना चाहिए, बिकॉज द लस्ट हैज टू बी सब्लिमेटेड। और कुकिंग वगैरह करना चाहिए, थोड़ी मेहनत वाली, उसमें फिर जाएगा ना। जैसे हम जब पूना मंदिर में, मेरा मुझे देखते थे, मेरे मित्र हैं एक, उनका नाम है, वो वहाँ पे, वो देखना वो, तो वो जो है वहाँ पर कुकिंग करते थे, तो जब मुझे देखते तो मुझे भी बुला लेते थे। तो बहुत बड़े बड़े बर्तनों में हलवा बनता था, इतने बड़े। तो फिर वो जब करछी चलानी होती थी तो उसमें सारा एनर्जी एकदम पसीना पसीना हो जाते थे, नींद ही आती थी, फिर क्या गुस्सा आएगा। तो क्या क्या चीजें मैंने आपको बताया क्रोध को नियंत्रण करने के लिए क्या करना चाहिए। यस प्रोजी, आपने बताया कि हमें जो है अपने चैंटिंग जो हम करते हैं, हमको चल के और वॉकिंग करके ही चैंटिंग करनी चाहिए घर में। नहीं, चैंटिंग जी वॉकिंग करके नहीं करनी चाहिए, ये नहीं मैंने बताया। मैंने ये बताया कि क्योंकि ये लस्ट बहुत ज्यादा है, आप समझ रहे हैं, वासना ही इसके रूप में आती है, तो आपको एनर्जी को एक्सर्ट करना पड़ेगा। चैंटिंग आप ध्यान पूर्वक ही कीजिए, ध्यान पूर्वक चैंटिंग करने से तो बहुत सोलेस मिलता है, आपका मन में तृष्णा नहीं रहेगी। आप एक तो वेरी अटेंटिव चैंटिंग कीजिए, वेरी वेरी अटेंटिव। दूसरा, भगवान की कथाओं में एब्जॉर्ब रहिए, है ना, नहीं कथाओं में एब्जॉर्ब रहिए। ज्यादा एब्जॉर्ब रहेंगे तो कम लड़ाई होगी, कम झगड़े होंगे, है ना, नहीं तो हमेशा कान में कुछ ईयरफोन लगा करके सुन रहे हैं या कथाओं में एब्जॉर्ब हो गए। फिर लस्ट को सब्लिमेट करने के लिए फिजिकल कुछ करना बहुत जरूरी है ना, नहीं या तो बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं या जो भी फिजिकल चीजें करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लस्ट सब्लिमेट होता है इससे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फूड हैबिट्स में परिवर्तन लाना चाहिए। एक तो ज्यादा मसालेदार चीजें या फिर बहुत अधिक नहीं खाएं, है ना, नहीं, या फिर टाइम टाइम पे खाएं, है ना, नहीं टाइमिंग्स और टाइप उसका, ये सब थोड़े थोड़ा फिक्स करना चाहिए। तो और पांचवी चीज मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, वेग को, इस वेग को नियंत्रण करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे करेंगे, और ये करना चाहिए कि पहले तो कभी कभी ये सोचना चाहिए कि मैं भी तो गलती करता हूं, या हो सकता है उनको पूरा पता नहीं होगा, या फिर भगवान की इच्छा होगी। इसको कहते हैं वेग को नियंत्रण करने का अभ्यास कर। तो इस तरह से भी सोच करके, किसी तरह से अन्वेषण से उसके लॉजिक को हम सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति सबके साथ तो गलत नहीं है, केवल मेरे साथ क्यों गलत है। इस तरह से अन्वेषण करके हमको आन्वीक्ष किया शोक मोह दंभम महतुपास्या योगांतरायण मोने ना, ऐसे बोल रहे हैं ना कि ये सब जो हृदय की चीजें हैं, इसमें अन्वेषण करके भी हमको बहुत राहत मिलती है। मान लो किसी चीज पे हमें बहुत गुस्सा आता है, फिर हम देखते हैं यार मैंने भी तो कभी ऐसे किया है, मैं भी कोई दूध का धुला हुआ थोड़ी हूँ, कभी कभी तो हमने भी ऐसे किया है। इससे भी हमको शिक्षा मिलती है। और थोड़ा बिजी रहना चाहिए,
बिजी रखेंगे अपने आप को तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। अब हर दिन टास्क रहेगा, हर समय कुछ करने का रहेगा, टास्क रहेगा तो हम बिजी रहेंगे, तो फिर हमें कोई टेंशन इस तरह की नहीं ज्यादा, नहीं। फिर भी गुस्सा आता है तो बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए अपने आप को रोकने का, और बहुत विनम्रता से व्यक्त करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका बहुत ज्यादा हो रहा है तो फिर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि प्रभु जी जब आप ऐसे करते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है ना, मतलब बुरा लगता है मतलब आप ये कह सकते हैं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं वैष्णव अपराध करने लेता हूँ आपके प्रति, तो ये सब कह करके आप उनको बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई बार हम ईगो के टसल में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बाद में अच्छे से एक्सप्रेस करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा झुकने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से भी नहीं कर पाते। तो वेरी वेरी अटेंटिव चैंटिंग करना चाहिए, लेक्चर्स का शेड्यूल होना चाहिए, हम कान में लगा करके खूब सारी कथाएं सुन रहे हैं, और फिजिकल सर्विसेज खूब सारी करनी चाहिए, है ना। इससे भी लस सबनिमेट होता है और गुस्सा फिर थोड़ा कम ही आएगा। अच्छा क्या हुआ, तोड़ दिया क्या जो बैठो, थके हुए हैं भाई क्या है। और फूड हैबिट्स, टाइमिंग्स और टाइप अपना थोड़ा, और अमाउंट, है ना, नहीं उस पर बहुत ज्यादा, अगर आप कुछ नहीं खाएंगे ना आप देखेंगे गुस्सा नहीं आएगा इंद्रियों में बल ही नहीं रह जाएगा, क्या गुस्सा आएगा। फिर वेग नियंत्रण के तरीके हमको अपनाने चाहिए, वेग है उस समय रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए, कम से कम ये करें अपने को बिजी रखें, इमीडिएट रिस्पॉन्स ना दें क्योंकि गुस्से में हम कई बार भली चीज भी बुरे बुरी लग जाती है, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स मत दीजिए, कम से कम गुस्सा आ गया। हमारे गौर गोपाल प्रभु कहते हैं कि गिविंग इमीडिएट करेक्शन इज ए सिन, कोई गलती करता है तो उसको तुरंत ही करेक्ट करना ये एक पाप है। तो ये इस तरह से जो है हमको इमीडिएट रिस्पॉन्स तब ना दें, फिर बाद में जा करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत विनम्रता से जा करके उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता ये वेग को कंट्रोल करना, जब रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी से को समझा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वेग नियंत्रण करना कितना कठिन होता होगा। जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ये समझा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये कठिन चीज है। जब वल्लभाचार्य के ऊपर इनको गुस्सा आया और गर्म आंसू गिरने लगे, वल्लभाचार्य को करेक्ट किया जीव गोस्वामी ने, तो फिर रूप गोस्वामी ने कहा कि तुम चले जाओ, तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुमको ऊंच नीच हार जीत इनसे तुम प्रभावित होते हो, तुम वृंदावन में नहीं रह सकते, मान सम्मान ऊंच नीच इससे तुम प्रभावित हो रहे हो, तुम नहीं रह सकते वृंदावन देख रहे हो। तो इसलिए किसी का मान सम्मान, रूप गोस्वामी ने तो जो दिग्विजय पंडित आया था उसको पावती एक्नोलेजमेंट लेके आया था, रूप गोस्वामी ने साइन कर दिया हाँ हाँ मैं हार गया आपसे, क्योंकि रूप गोस्वामी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। पर ये सब कहना बहुत आसान है पर करना बहुत मुश्किल, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, अभ्यास कीजिएगा मोबाइल में स्नैपशॉट ले सकते हैं और फिर इसका जो है अभ्यास कर सकते हैं। इट्स नॉट सो इजी, इट्स नॉट सो इजी, वेगों को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, कई बार माया बहुत प्रबल होती है, कुछ कर्म प्रारब्ध के अनुसार भी बहुत गुस्सा आ जाता है, किसी से संबंध खराब होता है, मान लो किसी के लिखा हुआ है तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है, संबंध खराब हो जाता है। अच्छा ये चैट में किसी ने लिखा है, हरे कृष्ण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। ठीक है तो अभी और किसी का कोई प्रश्न है, एनी अदर क्वेश्चंस। ठीक है तो मिलते हैं फिर कल सुबह 6:45 पे इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। तो ये मैंने जो ये टेक्निक आपको बताई है इसको आप इत्मीनान से बैठ करके कीजिएगा, ये लेक्चर अभी आ जाएगा, राणा पाटिल प्रभु आपको ये जूम पे ग्रुप्स पे डाल देंगे, सब जगह पे मिल जाएगा, तो आप इसको बैठ करके सुनिएगा जो मैंने, बहुत जल्दी मैं बोलता हूँ क्योंकि तो मुझे टाइम का थोड़ा रहता है, इसलिए भी मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ, लेकिन आप जो है इसको अच्छे से करने का प्रयास कीजिएगा, अपने टास्क लिखिए, आपको फिर से उत्साह मिल जाएगा,
बहुत उत्साह मिलेगा गोल सेटिंग करने से, नहीं तो ऐसे नीरस से हम रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद।